अखबार का गोडाउन है या कबाड़ खाना। पता नहीं कौन से पाप किए थे पिछले जन्म में जो अभी यहां पर काम करना पड़ रहा है। ये कुछ काम की लगती है। कम से कम 500 तो मिल ही जाएंगे इसके। अरे ये सब की ये आज हो क्या रहा है। इसमें देखता हूं क्या है, शायद कुछ मिल जाए। किससे पूछूं? ये क्या है? इसमें कुछ हो सकता है। कुछ तो मिल जा। साहब, हाँ बोलो। दो लड़कियां आई हैं, कह रही हैं कि उनकी आज से यहाँ नौकरी लग गई है। हाँ ठीक है ठीक है, तुम जाओ, मैं उनसे बात करता हूँ। जी साहब। सर, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इस दिन का कब से इंतजार था। होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा अखबार इस देश का सबसे बेहतरीन अखबार है। इट्स नंबर वन। आइए, मैं तुम्हें बाकी के स्टाफ से मिलवाता हूँ। एक्सक्यूज मी, ये दोनों लड़कियां आज से आप सबके साथ काम करेगी। यह है दिशा
और क्या नाम बताया आपने? शोभा सर। शोभा, ये है मिस्टर सैम। हाय दिशा, आई एम सैम। इसकी सूरत पर मत जाइए, इसका दिमाग नुकीली छुरी की तरह तेज है और जर्नलिस्ट का दिमाग तेज होना बहुत जरूरी है। और यह है मिस्टर रोमेश, यहाँ के सबसे पुराने एम्प्लॉय। नमस्ते। नमस्ते। और यह है मिस्टर सुमित, एक नंबर के आलसी टट्टू, काम से ज्यादा ये लड़कियों में दिलचस्पी रखते हैं। सर ये आप क्या कह रहे हैं, ये दोनों डर जाएंगी। और एनीवेज आई एम सुमित। हाय शोभा, सो कैन वी बी फ्रेंड्स? देखा कितनी जल्दी दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया महाशय। चलिए आप सब अपने अपने काम में लग जाइए। yes, आइए मैं आपको आपकी जगह बता दूं। आइए। एक्सक्यूज मी, क्या नाम बताया आपने? शोभा। शोभा, शोभा ये है आपकी जगह। और दिशा आइए, ये है आपकी जगह। दिशा जी सर, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि कई वर्षों के बाद आप जैसी ब्राइट स्टूडेंट हमारे यहाँ हमारे अखबार में आई हैं। एंड आई होप तुम इन उम्मीदों पर खरी उतरो। थैंक यू सर, मैं जी जान से मेहनत करूँगी सर। हाँ शोभा, शोभा आपका रिकॉर्ड ठीक ठीक सा है। अगर आप आगे बढ़ना चाहती है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, बिल्कुल दिशा की तरह। शोभा एक काम करो, आप पिछले 15 दिनों के अखबार पढ़ना शुरू करो और देखो पिछले 15 दिनों में इन शहर में कितनी चोरियां हुई हैं। आई वॉन्ट ऑल द रिकॉर्ड। ओके सर, प्लीज स्टार्ट। और दिशा तुम मेरे साथ एक न्यूज रिपोर्ट पर काम करोगी, एक बहुत ही सनसनीखेज न्यूज रिपोर्ट है और अपने अखबार के लिए बेहद जरूरी। मैं तुम्हें इसके सारे डिटेल्स दे देता हूँ और कैन स्टार्ट राइटर। थैंक यू सर, प्लीज डू। ये तो अखबार का गोदाम लगता है। हाउ एक्साइटिंग, देखना चाहिए। पुरानी प्रिंटिंग मशीन, अमेजिंग। ये काम भी करती होगी क्या? Thank you.
आपकी लाइफ को क्या हुआ? ये मशीन तो काम करती है। तो खा ली है। दिशा, अरे क्या हुआ? मैं हूं सैम, क्यों चौंक रही हो? नहीं वो बस ऐसे। ये क्या है? कुछ नहीं। देखो दिशा, मुझे लगता है तुम बहुत थक गई हो। यू नीड ए गुड नाइट स्लीप। चलो चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, ठीक है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। वैसे भी रात के 2 बज रहे हैं, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है, चलना चाहिए। ओके ग्रेट, लेट्स गो। अभी तक नहीं आई। लगता है अभी तक महारानी उस खास रिपोर्ट पर काम कर रही। देखती हूँ जरा कैसा क्या है उस खास रिपोर्ट में जो उस एडिटर ने मुझे ना देखा उस दिशा को दी। लगता है यही वो फाइल है।
ये पेपर कहाँ गया? कहीं किसी के हाथ तो नहीं लग गया? जागते रहो। ओह, तो ये है वो खबर जिस पर दिशा काम कर रही है। अगर ये खबर छप गई तो दिशा को रातों रात मशहूर होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस वक्त कौन आया? कहीं किसी ने मुझे अंदर आते तो नहीं देख लिया? शोभा, इतनी रात को तुम यहाँ? कुछ नहीं, थोड़ा काम था। सर ने मुझे कुछ ढूंढने को कहा था। लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये कुछ भी तो नहीं, रद्दी अखबार है, फालतू है। ये दरवाजा किसने बंद किया? पता नहीं। ये फट क्यों नहीं रहा है? शोभा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कोई है नहीं? नहीं शोभा, यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं यहाँ पे। शोभा, तुम ठीक तो हो ना? कल देर रात जागते रहो अखबार की एक नई जर्नलिस्ट शोभा कुमार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस का मानना है कि उसका खून उसी अखबार में काम करने वाले नवयुवक सुमित ने किया है। अखबार में काम करने वाले कुछ अन्य लोगों ने कहा सुमित और शोभा अखबार के आर्काइव सेक्शन में अकेले गए थे और फिर उसके बाद वहां शोभा की लाश पाई गई। पर सुमित का कहना है कि शोभा को उसने नहीं बल्कि किसी आत्मा ने मारा है। पुलिस ने सुमित को गिरफ्तार कर लिया है। तो तुम्हें यह लगता है कि इस शोभा को किसी आत्मा ने मारा है? देखिए यार, न्यूज़पेपर में भी लिखा है कि शोभा के चेहरे पे घाव पाए गए, अजीब किस्म के घाव। ऐसा घाव जैसे उसके चेहरे पे अल्फाबेट्स या कोई अक्षर। मुझे नहीं लगता कि ये सुमित का काम हो सकता है। हाँ हर्ष, मुझे लगता है राघव ठीक ही कह रहा है, कुछ तो गड़बड़ है उस जगह पे। तो फिर चलो इस अखबार के ऑफिस में चलते हैं। ये आत्मा ने भी अजीब जगह ढूंढी अपना डेरा लगाने के लिए, न्यूज़पेपर ऑफिस। ये अखबार पढ़ते पढ़ते उसको बुखार नहीं आ जाता होगा क्या? जब आत्मा मिल जाए ना तो थर्मोमीटर से उसका बुखार चेक कर लेना, ठीक है राघव? राघव, हाँ? तुम इस प्यून से उस आत्मा का राज खुलवाने की कोशिश करो, तब तक हम दोनों अंदर जाके आते हैं। पर हम अंदर जाके बोलेंगे क्या? यही कहे हमें एक विज्ञापन देने आए हैं। यार
आपकी हिम्मत की दाद देता हूं मैं। ऐसी खतरनाक जगह पे काम करते हुए डरवर नहीं लगता क्या आपको? डर क्यों लगेगा भाई? आत्मा का आत्मा है ना यहाँ पे। आत्मा? कैसी आत्मा? वही जिसने शोभा को मारा था। अरे उस लड़की की मौत किसी आत्मा से नहीं, बल्कि वो सुमित ने मारा था उसे। सुमित ने मारा था? अच्छा, किसी ने ये मौत होते हुए देखा नहीं? अरे सर, इतनी रात को दफ्तर के उस सुनसान आर्काइव रूम में कोई क्यों जाएगा? आर्काइव रूम? इसीलिए तो सुमित ने वो कमरा चुना था शोभा को मारने के लिए। आप मुझे वहां पे लेके जाएंगे ना, आर्काइव रूम में? नहीं सर, उसमें तो ताला लग गया है। पुलिस आई थी ना उस दिन? पुलिस आई थी, तब तो जाना ही पड़ेगा। क्या कहा? नहीं नहीं, वैसे थैंक यू सो मच, आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है ठीक है। कुछ पता चला? नहीं ज्यादा तो नहीं, पर यहाँ के आर्काइव रूम में कुछ गड़बड़ जरूर है। तो चलो आज रात चलते हैं आर्काइव रूम। मशीन को क्या हो गया? नहीं, लाइट्स मत ऑन करना, वरना बाहर वालों को पता चल जाएगा कि अंदर कोई है। हर्ष, मुझे लगता है मैं थोड़ी सी लाइट ऑन कर लेनी चाहिए, वरना हमारे कैमरे पे कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। मैं इस टेबल लैंप की लाइट ऑन करता हूँ। यहाँ कुछ नहीं। वो मशीन को क्या हो गया है? कितनी बार कहा कि सर्विसिंग करवा लो सर्विसिंग करवा लो, मगर कोई सुनता ही नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा कि एक न्यूज़पेपर ऑफिस इतना डरावना हो सकता है। जहां पर आत्माओं का साया होता है वो जगह डरावनी ही होती है। पर अगर यहाँ वाकई कोई आत्मा है तो कहाँ है वो, और हमारे सामने क्यों नहीं आ रही? हो सकता है कि आती हो, हमें एक जगह रुककर इंतजार करना चाहिए।
मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ। ये जी कैसे? ये किसे किया? यहां पे तो कोई भी नहीं। शायद ये उसी आत्मा का काम जिसने शोभा को मारा। अपने अपने कैमरे ऑन करो, शायद वो आत्मा यहीं थी। यामिनी, तुम्हारे कैमरे में आत्मा रिकॉर्ड हो रही थी? नहीं राघव, मेरे कैमरा में कुछ रिकॉर्ड नहीं है। क्या तुम्हारे कैमरा में कुछ रिकॉर्ड हो रहा है? नहीं यार, मेरे कैमरा में भी नहीं है। पता नहीं क्या बिगाड़े थे इन लोगों ने इस आत्मा का, जिस वजह से उस आत्मा ने, शायद वो कोई खूनी आत्मा होगी जो सबको मार रही है। नहीं यामिनी, अगर ऐसी बात होती तो वो आत्मा सुमित को जिंदा क्यों छोड़ती? लगता है कोई और है। हमें ऐसे चलना चाहिए, वरना ऐसा ना हो जाए कि सुमित के बाद पुलिस हमें पकड़ ले। चलो एक और लाश, ये क्या हो रहा है हमारे ऑफिस में? एक के बाद एक मौत। कैसे हो सकता है? ये राज तो 14 साल पहले दफन हो चुका था। तुमने ही तो फोन किया था। ये नहीं, ये न्यूज़ किसी और के हाथ लग जाए, इससे पहले मुझे फाड़ देना चाहिए। हाँ, इसे फाड़ देना चाहिए। क्या हो रहा है? Thank you.
फिर वही पेपर? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कभी मिलता है, कभी गायब हो जाता है। कहीं कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा? दिशा, ये लो, साइन कर दो। ये क्या है? हम सब का रेजिग्नेशन। हम सब मिलकर ये ऑफिस छोड़ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारा साथ दो। पर क्यों? क्यों? क्योंकि दिशा, यहाँ पर किसी की भी जान सुरक्षित नहीं है। तुम्हें पता है कल रात और दो खून हो चुके हैं। दो और खून? किसके? एक रोमेश का और दूसरा प्यून का, और उन दोनों के चेहरों पर ठीक वैसे ही निशान थे जैसा शोभा के चेहरे पर। पर उन्हें मारा किसने? जरूर जरूर उसी आत्मा ने मारा होगा जिसके बारे में सुमित बता रहा था। कहीं इन मौतों का संबंध इस अखबार के साथ तो नहीं? मुझे एडिटर सर से मिलना होगा। तुम दोनों ने उस जैनेटर की लाश को देखा? मरने के बाद उसके चेहरे पर वो अक्षर बनने लग गए थे। हाँ, ठीक वैसे ही अक्षर शोभा के चेहरे पर भी बने थे। अखबार में लिखा हुआ था। राइट। अब इस फुटेज को देखो जो हमने उस रात को रिकॉर्ड की थी। ये क्या? जानकर के चेहरे से सारे अक्षर गायब हो गए, सिर्फ खून ही खून। हाँ, उसके चेहरे पर अक्षर तो थे मगर हमारे कैमरे में रिकॉर्ड नहीं है। यानी उन अक्षरों का कुछ ना कुछ संबंध जरूर है इस आत्मा के साथ। शायद इन अक्षरों के जरिए वो आत्मा हमें कुछ बताना चाहती है। हो सकता है, इसलिए हमें जाकर उन लाशों को देखना होगा। इस तरह के अफवाहों के लिए हमारे अखबार में कोई जगह नहीं है। मैं आई कम इन सर? यस प्लीज। हाँ दिशा बोलो। सर, वो मुझे ऑफिस में हो रही मौतों के बारे में। मैं जानता हूँ, बड़े अफसोस की बात है, पर एक्चुअली सर, जिस रात मैंने यहाँ ज्वाइन किया था उस रात मुझे ये खबर। अरे आत्माएं, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? ये खून कोई आदमी कर रहा है? ये आत्माओं की बातें सिर्फ किताबों में और फिल्मों में ठीक लगती है, समझे? हाँ तो क्या कह रही थी तुम? हाँ अब कुछ नहीं सर। ये पेपर कैसे है तुम्हारे हाथ में? दिखाओ जरा, दिखाओ। ये खबर तुम्हें कहां से? मैंने कई सालों पहले ऐसे ही किसी खबर के बारे में सुना था पर ढूंढ नहीं पाया था। सर, आप इसे छापेंगे? हाँ, छापेंगे छापेंगे, बिल्कुल छापेंगे। दिशा, यू हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब।
शोभा, हर्ष, शोभा। इसके चेहरे पर तो वही अक्षर बने हुए हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अक्षर तुझे उल्टे नहीं लग रहे? हाँ, ये तो उल्टे हैं। बाकी दो लाश को देखते हैं, शायद उस पर कुछ साफ लिखा। रोमिश, और यहां पर जैनिटर की लाश। जागते रहो। अठारह, जागते रहो। अठारह, अभी भी कैमरा पे कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा बराबर से। राघव, शोभा के चेहरे पे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, बस इतना समझ में आया कि उसके चेहरे पे जागते रहो लिखा हुआ है, और अच्छा नंबर भी। जागते रहो 18, शुक्र है उसके चेहरे पे तुम्हें कुछ तो दिखा, यहाँ पे तो। एक मिनट, राघव, यहाँ पे भी जागते रहो लिखा हुआ है, ये देखो। अरे हाँ यार, देख और कुछ है क्या? हाँ, एक नंबर है, 1996। जागते रहो 18 1996। हर्ष, हाँ, जागते रहो 18 1996। 18 1996, कहीं ये डेट तो नहीं? हो सकता है यार, लेकिन मंथ क्या? शीशा, यहां पर कुछ लिखा हुआ। पहला अक्षर कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन दूसरा अक्षर यू है। ऑगस्ट नहीं, यहाँ पर चार अक्षर है। चार अक्षर यानी जून या जुलाई। आखिरी अक्षर बाय, मतलब जुलाई। 18 जुलाई 1996। अब हमें यह पता करना होगा कि 18 जुलाई 1996 में ऐसा क्या छपा था। चाहते रहो अखबार में। ये खबर नहीं है, लॉटरी है, लॉटरी जो हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी बदल गई। हेलो मिस्टर दीपक, मैं जागते रहो का एडिटर बात कर रहा हूं। हाँ जी बोलिए। 18 जुलाई 1996। दिमाग की घंटी बजी। 18 जुलाई 1996 को एक खबर छपते छपते रह गई, लेकिन वो आज भी छप सकती है। क्या चाहिए तुम्हें? 5 करोड़ रुपए, वरना। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। हमारा 14 साल पुराना घिनौना राज एक बार फिर से कब्र से बाहर आ चुका है। अरे ये खबर है या सोने का अंडा देने वाली मुर्गी?
कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? अरे कौन है? अरे दरवाजा खोलो, कौन है? अरे कोई दरवाजा खोलो। वॉचमैन, वॉचमैन, वॉचमैन! पढ़ो क्या लिखा है। पहले पेज पे तो रेल का बजट लिखा हुआ है। भारत ने इंग्लैंड को 2-0 से हराकर क्रिकेट टेस्ट मैच जीत ली। शायद कोई खास खबर बीच के पन्नों में छपी, चेक करो। नहीं, उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अखबार का फ्रंट पेज ही हो, और एक के चेहरे पे फोटो जैसे भी कुछ बना हुआ था। इसके फ्रंट पेज पर तो सिर्फ एक ही फोटो है, एक औरत का जिसने एक साथ 5-5 बच्चों का जन्म दिया। फ्रंट पेज के किसी भी आर्टिकल का संबंध मुझे उस आत्मा के साथ नहीं लग रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उस आर्टिकल को फ्रंट पेज पर छपने से रोक दिया? शायद इसीलिए वो आत्मा अपनी नाराजगी जता रही है, उस आर्टिकल के ना छपने की नाराजगी। ये एडिटर सर भी कहाँ चले जाते हैं, और ये पेपर, ये मेरे पास बार बार क्यों आ जाता है? जब जब ये पेपर मेरे पास आया तब तब किसी का खून हुआ है, यानी एडिटर सर मैं पेपर ही फाड़ देती हूँ। I'm sorry, पर वो तुम लोग कौन हो? हम यहाँ रिसर्च करने आए, एक पुराना अखबार ढूंढ रहे हैं। 18 जुलाई 1996। ये मुझे दो ये पेपर। या लेकिन आर्काइव रूम में जो हमें न्यूज़पेपर मिला था 18 जुलाई 1996 वाला, उसमें तो कुछ और ही छपा था। क्योंकि ये खबर कभी छपी ही नहीं, और इसी की वजह से लोग मारे जा रहे हैं। शायद इसीलिए, क्योंकि इस अखबार की सच्चाई दुनिया तक पहुंचाई नहीं गई। तुम्हें ये अखबार कहां से मिला? यही है वो मशीन। इस मशीन को देखकर ऐसा लगता है जैसे बहुत सालों से बंद पड़ी है। छूना मत उसे। नहीं, वो लिवा को मत छूना। इसी से निकली थी ये खबर। इसमें एक ऐसे जुम्म के बारे में लिखा हुआ है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। क्या वाकई दीपक, मोहित और सत्येंद्र तीनों ने ये पाप किया है? हाँ, हमने ही किया है। यही है वो तीनों लोग, दीपक, सत्येंद्र और मोहित। ठीक पहचाना, हम कमीनों के चेहरे कुछ ज्यादा मशहूर हो गए हैं। कहाँ है इस अखबार का एडिटर? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? तो फिर तुमने हम तीनों को पहचाना कैसे?
हाँ हाँ अच्छा अच्छा उस लंगूर ने बताया होगा। ये तुम्हारे हाथ में क्या है, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ओ 14 साल पुराना अखबार। ये तुम्हें कहां से मिला? कहां से मिला तुम्हें ये? ये मशीन ने छापी है खबर। इस मशीन को बंद पड़े हुए 14 साल हो गए। इस मशीन से छपने वाली ये आखिरी खबर थी। क्या गलत कर रहे थे हम लोग? लाशों से सिर्फ दवाइयां बना रहे थे। इसके लिए अगर हमने कब्रों से कुछ लाशें निकाल ली तो क्या आफत आ गई? यही खबर छापना चाहता था वो दिनकर। दिनकर? कौन दिनकर? था एक बेवकूफ रिपोर्टर, सच बोलने का कीड़ा काट गया था उसे। ये तो अच्छा हुआ कि रमेश ने हमें ऐन मौके पर बता दिया और हमने उसकी चोंच हमेशा के लिए बंद कर दी। दिनकर साहब वेरी बिग जर्नलिस्ट, लेकिन सच बोलने की बहुत बुरी आदत है इनको। सच बोलना है बोलो। अब मैं देखता हूं ये तोता सच कैसे बोलता है। सतिन इसका मुंह सीधे। सतिन भैया बड़े काम की मशीन थी ये, लेकिन अब इससे खबर नहीं छप सकती। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? दिनकर। लेकिन दिनकर तो मर चुका है। तुम लोगों ने सिर्फ दिनकर को मारा है, उसकी आत्मा को नहीं। दिनकर चलो दिनकर माफ कर दो मुझे दिनकर। जिसने भी इस पेपर में लिखी हुई सच्चाई को खत्म करने की कोशिश की वो मारा गया। ये फट क्यों नहीं रहा है? इसकी आत्मा को मुक्त करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर देते। इन तीनों की घिनौनी सच्चाई अखबार में छापकर
इसे दुनिया के सामने रखते थे। अचानक दिशा ने हमें यहाँ बुलाया, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? जी, अरे दिशा मैडम आज बहुत खुश हैं। वो आप सबको सरप्राइज देना चाहती हैं। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ओह, तो ये है सरप्राइज। क्या हुआ हर्ष? ये देखो, कब्र से मुर्दे चुराने वालों का भांडा फूटा। चलो, 14 साल बाद ही सही, पर दिनकर की अधूरी इच्छा पूरी तो हुई। वाकई, अब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और इसका सारा क्रेडिट जाता है दिशा को। हमें जाकर उसे मुबारकबाद देनी चाहिए। चलो चलो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।